अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको क्लॉथ मार्केट, सदर, चांदी मार्केट, रेशम बाजार और दूसरी बहुत सारे प्लेसेस की का जो ना लोकेशन बताऊंगी। और अगर आप नए हैं इस शहर में तो शहबाज़ बिल्डिंग के रास्ते से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि शहबाज़ बिल्डिंग मशहूर प्लेस है और उसकी लोकेशन ये इस तरह की है। बाहर से बड़ी बिल्डिंग है शहबाज़ बिल्डिंग, हैदराबाद की मशहूर बिल्डिंग है। उसे लेफ़्ट साइड से आप सीधा सीधा आएँगे तो मिर्ची 360 भी होगा, स्टेट लाइब्रेरी बिल्डिंग होगी, उसके बाद जो है ना गुल सेंटर वाला एरिया होगा। और गुल सेंटर वाले एरिया में जो लेफ़्ट टर्न जाएंगे यहाँ से तो चांदनी मार्केट होगी। चांदनी सदर मार्केट जो है ना वो लेफ़्ट साइड एरिया से है। मैं अभी आपको जो है ना क्लॉथ मार्केट का बताने वाली हूँ, रेशम बाज़ार का। आप लेफ़्ट साइड से सीधा सीधा आएँगे, सीधा सीधा उसी साइड से सीधा सीधा आएँगे तो है ना कोर्ट वाला, कोर्ट बिल्डिंग भी होगी और सामने से आपको ये मस्जिद दिखाई देगी वो भी होगी। और चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी है, मैंने जो है ना मार्क करके लोकेशन में आपको जो है ना पॉइंट आउट करवा दिया है कि कौन कौन सा एरिया किस नाम से है, और आपको नेम के साथ जो है ना लोकेशन भी बताई है। तो ये हैदर चेक चौक है, वहाँ से एक गली जाती है, वो भी सीधी लेफ्ट साइड पर ही जाएगी। तो आप सीधा जाएंगे तो वहाँ पे जैसे ही गली ख़त्म होगी तो सामने से जहाँ पे लाइबा बुटीक लिखा हुआ है वो वहाँ से वो जो गली है वो पूरी रेशम गली है, मतलब रेशम बाज़ार मार्केट है। ये एरो का निशान देखते हैं जहाँ पे मेरी फिंगर की पॉइंट आउट हो रही है, बस आप यहाँ पे रक्षा खड़े करेंगे और वहाँ से पूरी रेशम बाज़ार है, ठीक है। और अभी मैं आपको क्लॉथ मार्केट का रास्ता बता रही हूँ, वहीं से आप लेफ्ट साइड की तरफ जाएँगे, सॉरी राइट साइड की तरफ जाएंगे और जो है ना लेफ़्ट टर्न लेंगे। यहाँ से आप लेफ़्ट हैंड पे फिर से टर्न लेंगे तो ऊपर चढ़ाई आती है, ऊपर चढ़ाई वाला रास्ता है पूरा सा। और यहाँ से भी आप सीधा सीधा जाएंगे, लेफ़्ट हैंड पे ही जाएंगे, सीधा सीधा जाएंगे, नो यू टर्न, ना आगे ना पीछे, पूरा सीधा सीधा चलते जाएंगे। तो यहाँ पे जो ना एक रबड़ी वाला है, हाजी इब्राहिम रबड़ी वाला, यहाँ पे मैंने मोनोग्राम दिया हुआ है, उससे भी सीधा सीधा आप जाएंगे। ये ओल्ड बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं वो राइट साइड पे बनी हुई है। तो ये फिर जो है ना आप यू टर्न लेंगे राइट साइड पे, यू टर्न नहीं लेंगे बल्कि राइट हैंड टर्न लेंगे। यहाँ पे जो है ना नागोरिया मिल्क शॉप होगी, फिर जो है ना किला होगा, कच्चा किला है, ये कच्चा किला होगा। ये सीधा सीधा वहाँ पे लोहे की सबसे किले के नीचे लोहे की शॉप्स होंगी, सीधा सीधा आप लोहे की शॉप से सीधा सीधा आएंगे तो फिर से लेफ्ट साइड पे आपको जो ना पेट्रोल पंप दिखाई देगा। और जब जैसे ही पेट्रोल पंप आएगा तो वहाँ पे भी टर्न आएगा, लेकिन आपको गली से लेफ़्ट टर्न लेना होगा। ये देखें पेट्रोल पम्प आ गया है और वहाँ से फिर से आपको जो ना लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा। ये पूरा क्लॉथ मार्केट है ना, उस एरिया का जो है ना मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ, विजुअली भी बता रही हूँ, जो मेन मेन बिल्डिंग्स हैं उनके नाम भी सामने से लिखे हुए हैं, ठीक है। और वही लेफ्ट टर्न लेंगे, यहाँ से भी सीधा सीधा जाएंगे। यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है, वो भी मैंने मेंशन किया। ये फिश मार्केट है, यहाँ पे फिश मिलती है, बहुत बड़ी मार्केट है हैदराबाद की फिश मार्केट है। वहाँ से भी सीधा सीधा जाएँगे तो यहाँ पे फकीर का पेड़ आएगा, वहाँ से मतलब गली जाती है वो पूरी फकीरी, हम कहते हैं फकीरी पेड़ मार्केट है, तो इसे फकीर का पेड़ कहा जाता है। यहाँ से यू टर्न में मतलब टर्न में पूरा सीधा, यहाँ पे सब्जियाँ हर चीज़ बहुत इजी दाम और सस्ते दामों में मिलती है, बहुत सारी चीज़ें आपको मसाला चाट हर चीज़ मिलेगी। अब यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है क्लॉथ मार्केट, दोनों साइड लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में क्लॉथ, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ क्लॉथ मार्केट है। बहुत बड़ी मार्केट है, अंदर से भी बहुत बड़ी है। आप जाके विज़िट कीजिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।